और एक तरफ से अगर मैं कहूं एमआईएम की तरफ से नाम उभर के आ रहा है कि इम्तियाज जलील रहेंगे यहां पर, और जावेद कुरैशी है वंचित बहुजन अघाड़ी के, टफ लड़ाई आपकी किसके साथ रहेगी? आपको क्या लगता है कि भाई पता ही चलेगा कि हाँ ये मजबूत कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है, इनके साथ मेरी लड़ाई होने वाली, प्रदीप जायसवाल रहेंगे, इम्तियाज जलील रहेंगे या जावेद कुरैशी रहेंगे? चार नाम बड़े हैं आप। मेरे को तो जावेद कुरैशी दिख रहे हैं। जावेद कुरैशी दिख रहे हैं आपको? लेकिन समाज में अभी होशियार हो गया हुआ है कि सेकुलर पक्ष के साथ जाने की सोच रहे, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने की सोच रही है, जब तो मैं सेकुलर पार्टी का भी नहीं था जी उस वक्त। मतलब आपने सबका साथ दिया उस वक्त, मैं सबको साथ में लेके काम करते आया। आपका राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, उसके अलावा शिवसेना आपके साथ है, मोहम्मददास दानवे बड़ा नाम आपके पास है, चंद्रकांत खैरे जी बड़ा नाम आपके पास है, इसका कितना बड़ा शहर में इफेक्ट पड़ेगा सेंट्रल में कि भाई ये बड़े चेहरे हैं, इनके पीछे लोग कहेंगे नहीं, इनके पीछे साथ हमको जाना चाहिए? 100% मेरे को ऐसा लगता कि ये टाइम में मैं चुन के आऊंगा। एक तरफ प्रदीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई कैंडिडेट मजबूत है ही नहीं, हमारी लड़ाई एमआईएम से है, बाकी उनका ये मानना है कि आप हो गए, जावेद कुरैशी हो गए, इनसे उनकी लड़ाई नहीं है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। विधानसभा की तैयारियां पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है, हर उम्मीदवार अपना पार्टी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार चुकी है। लगभग देखा जा रहा है कि हर पार्टी जोर लगा रही है कि इस बार सरकार हमारी बने और हमारे ज्यादा से ज्यादा आमदार वहां पर पहुंचे और सरकार में हमारा जो है किसी तरह पकड़ बनी रहे। उसी के चलते औरंगाबाद सेंट्रल में एक ऐसा नाम उभर के सामने आया जहां से सियासत शुरू हुई, नगर सेवक से लेकर महापौर बने, उसके बाद आमदार बने, और अब इस बार सेंट्रल से मजबूत उम्मीदवार के नाम से जो है किशन चंद तनवानी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना इनके तरफ रुख करना चाह रही है, बहुत जल्द मुझे लगता है लगभग इनका तय हो चुका है अब आने वाले वक्तों में क्या होगा। और खास बात ऐसी रही है कि आदरणीय ठाकरे साहब के बहुत करीबी ये रहे और इनके साथ बड़ा इनका तालमेल रहा और इस बार इनकी तरफ रुख करने के बड़े चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े इनसे हम बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे औरंगाबाद की सियासत को लेकर, उसके अलावा यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम है आपका। खास बात ऐसी रही है कि आप बड़े करीबी रहे हैं ठाकरे साहब के और पिछले 2000 मुझे लगता है 19 में आपको शायद पीछे लेना पड़ा कुछ वजह से, इस बार लेकिन आप पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं, शिवसेना शायद मुझे लगता है लगभग आपकी तरफ रुख कर चुकी है। इंडिया अलायंस के नाम पर जिस वक्त जो पूरे महाराष्ट्र भर में मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, हर समाज में वनसेट वोट मारा, आपको क्या लगता है इस बार इंडिया अलायंस के नाम पर हर समाज आपको वोट करेगा क्या? महाविकास आघाड़ी अभी शहर में कैसे है कि 2014 की परिस्थिति अलग थी, 2019 की परिस्थिति अलग है, अभी 2024 की परिस्थिति अलग है। जी मतदार जो है ये होशियार है, ये अब इंडिया आघाड़ी की तरफ ही, जैसा आप बोल रहे कि महाविकास आघाड़ी की तरफ ही जाएंगे, और ये ढाई साल में 2019 में उद्धव भाड़ा से ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने और कोरोना लग गया तो उन्होंने सबका साथ करके सबको साथ में लेके काम किया तो उसका भी एक फायदा हो गया है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से सब समाज को साथ में लेके चलने का काम करेंगे। अच्छा उसके अलावा सर एक एक सवाल ऐसा है क्योंकि पर्सनली आपके बारे में मुझे पता चला है कि मुस्लिम समाज आपसे बड़ा कनेक्ट है पहले से, जब से आप नगर सेवक रहे, महापौर रहे, फिर आमदार बने, बारूदगढ़ नाला अगर मैं कहूँ उसके अलावा अगर और भी इलाके अगर करूँ वहाँ के मुस्लिम लोगों में बड़ा उत्साह है कि तनवानी साहब अगर खड़े रहे तो उस वक्त हम उनका बड़ा जोरदार समर्थन करेंगे, उसका फायदा कितना मिलेगा आपको? 100% फायदा मिलेगा मेरे को क्योंकि बचपन से ही मैं जूना बाजार में रहता था। मेरे छोटेपना से बड़ापना तक का, दसवीं में जब स्कूल में जाता था जब तक का हम जूना बाजार में रहते थे, बाद में गुलमटी के इधर रहने को आए हम, ठीक है ना। बाकी का कैसे है कि मैं महापौर का, मैं नगर से जूना बाजार में मेरा छोटे से बड़ापन हुआ है तो गुलमंडी के पट्टा ही गुलमंडी में से ही बारूदगढ़ नाला एक हिस्सा है जी। तो उधर भी मुस्लिम समाज जो है ये मेरे को बहुत समर्थन मिला। हाँ उधर से मेरे को 2000 में भी समर्थन मिला, 2005 में भी मिला जी, इस बार भी मिलेगा। इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि मुस्लिम समाज होगा, वंचित समाज हो गया, ये मेरे को मतदान करेंगे करेंगे। अच्छा उसके अलावा जैसे आपके सामने अगर हम देखेंगे प्रदीप जायसवाल साहब, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो भी मेहनत कर रहे हैं, आमदार रहे हैं, और एक तरफ से अगर मैं कहूं एमआईएम की तरफ से नाम उभर के आ रहा है कि इम्तियाज जलील रहेंगे यहां पर और जावेद कुरैशी है वंचित बहुजन अघाड़ी के, टफ लड़ाई आपकी किसके साथ रहेगी? आपको क्या लगता है कि भाई पता ही चलेगा कि हाँ ये मजबूत कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है, इनके साथ मेरी लड़ाई होने वाली, प्रदीप जायसवाल रहेंगे, इम्तियाज जलील रहेंगे या जावेद कुरैशी रहेंगे? चार नाम बड़े हैं आप। मेरे को तो जावेद कुरैशी दिख रहे, जावेद कुरैशी दिख रहे आपको? एक बात में क्या होता है कि अभी माहौल इलेक्शन का अभी बन रहा। जी हाँ जी हाँ अभी बन रहा। जी हाँ अभी शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है। इसके अंदर कैसा है कि एमआईएम बोलेंगे आप तो ये अभी सेकुलर पक्ष रहा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का ही समाज का ही
पक्ष ऐसा है। अरे ये एक आमदार या दो आमदार आके ये क्या करने वाले हैं? तो मुस्लिम समाज भी अभी होशियार हो गया है कि सेक्युलर पक्ष के साथ जाने की सोच रहे, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने की सोच रही है, तो अभी इनके ऊपर ही नो ठहराएंगे क्या करने का है, तो क्या करना है। मेरा काम है सबको साथ में लेके चलना, सबके काम करना है, विकास के काम करना। मैं जब महापौर था जब अफसर खान नगर से उठने थे, सलीम कुरैशी उसके भाई सलीम मौलाना जी, हाँ जी हाँ सलीम मौला थे। 2005 में वसीम की पटेल के मिसेस इधर से चुन के आए जी, हाँ जी हरसूल से। एक बात मैं बोलता तो ये कैसा है कि इनको भी, मैं जब महापौर था तो निधि देते टाइम सबको ही दिया ना जी हाँ, जब तो मैं सेक्युलर पार्टी का भी नहीं था जी। उस वक्त मतलब आपने सबका साथ दिया, उस वक्त मैं सबको साथ में लेके काम करते आया आपका। तो अभी मेरे को उदय बाला साहब ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी मेरे को उम्मीदवारी दी हुई है, तो लोग मेरे को यहाँ पहचानते। अभी मेरे विकास काम तो है ही है, मैं महापौर था जब के शहर में करीब करीब 25 साल से लेके मेडिकल घाटी में मैं खिचड़ी बेचते रहता गरीब के लिए, गरीब पिछले 25 सालों से रोज अभी जाती गरीबों के लिए। बोलते जो पेशेंट रहते उनके लिए नहीं, पेशेंट के जो रिश्तेदार रहते उन लोगों के लिए 14 जिले के पेशेंट अपनी घाटी में आते रहते हैं। रोज के लगभग 300-400 लोगों को मैं देते रहता, तो वो कोई जात दे के थोड़ी देते रहता। हाँ ये बात सही है। मेरे पास में पानी तो परेशान है उन लोगों को, परेशान है मेरे पास पानी है रोज का करीब करीब 60-70 हजार लीटर आरओ वाटर करके मिल जाता डेली। तो ये लोग आके यहाँ से लेके जाते, हम थोड़ी किसको बोलते कि तू मत ले ये मत ले। ये जो काम है ना, ये इलेक्शन 15 दिन है जी हाँ, ये इलेक्शन 15 दिन है जी, इसके बाद में तो अपने को साथ में ही रहना है। ये बात सही, सबको साथ में रहना है ना, सबको धंधे होना, सबको पानी होना, सबको विकास होना। ये इलेक्शन 15 दिन खत्म हो जाएंगे, जो चुन के आने वाला आएगा, मेरे जो काम आए वो चालू रहेंगे। मेरे काम चालू रहेंगे, अब लोगों ने ठहराना है कि किसको वोट करना है, किसको खरीद करना है। अच्छा, उसके अलावा सर ये देखा जाएगा क्योंकि कांग्रेस आपके साथ रहेगी, राष्ट्रवादी आपके साथ रहेगी, शरद चंद्र जी पवार साहब की रहेगी, बड़ा नाम है। उसके अलावा उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना आपके साथ रहेगी। अब जैसे कि जो प्रचार शुरू होगा तो इन लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो आपको ये ऐसा लगता है कि दीगर पार्टियां बड़े जोरों के साथ आपका काम करेगी, जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, उसके अलावा शिवसेना आपके साथ है, मोहम्मद दानवे बड़ा नाम आपके पास है, चंद्रकांत खैरे जी बड़ा नाम आपके पास है, इसका कितना बड़ा शहर में इफेक्ट पड़ेगा सेंट्रल में कि भाई ये बड़े चेहरे हैं, इनके पीछे लोग कहेंगे नहीं, इनके पीछे साथ हमको जाना चाहिए। इसके अंदर कैसे है कि मोहम्मद दानवे होंगे, खैरे साहब होंगे, तनवानी होंगे, एक बात मतलब ये सभी चेहरे में जिला प्रमुख है, ये शहर का माजी महापौर है जी, मेरे भी कोई संबंध है, अहमद संबंध है, खैरे के कुछ संबंध होंगे, हमारे जो नगर से हो गए करीब करीब मध्य के अंदर 17-18 नगर से हमारे, उसका बड़ा फायदा, इनका भी काम है, ये रात दिन सबके काम करते रहते हैं, इसका भी फायदा होगा हमको, इसका भी फायदा 100% मेरे को ऐसा लगता कि ये टाइम में मैं चुन के आऊंगा, इस बार आपको लग रहा है 100%। अच्छा, आपके पास प्लान क्या है आगे, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या सोचा है आपने सेंट्रल के लोगों के लिए? जैसे खास बात यह है कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, बहुत परेशान है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, इंजीनियर है, लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है, उसके लिए क्या आपके मन में विचार है कि भाई ऐसे बच्चों के लिए बड़ा कुछ तो किया जाए? अपने 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 शहर में मध्य के हिसाब से सोचे या पश्चिम के हिसाब से सोचे या पूर्व के हिसाब से सोचे, तो कैसा है कि अपन, मैं जिला दोनों बोल के बात करता है कि अभी अपने हमारे दोनों सीट चुन के आने को ना, पूर्व की भी जो कांग्रेस की सीट हम छोड़ी वो भी चुन के आने को ना, अब इसके अंदर बेरोजगारी है क्या? तो है, इसके अंदर कैसा है कि बेरोजगारी हमने को करने की है तो पढ़े लिखे लोग जो भी है उनको, या उनके अंदर कुछ फैक्ट्री के अंदर से, कोई कंपनी के अंदर से इसके कैंप लगा के इनको नौकरी उपलब्ध करके देना, ये सब अपन कर सकते हैं इसके अंदर, और हमने इसके पहले भी करे हुए। अब बचत गट के माध्यम से छोटे छोटे जो बचत गट है उनको अपन 50-50 हजार का लोन लेके उधर महिला को रोजगार उपलब्ध करा के दिए हुआ है, जैसे शासन की जितने भी योजना रहती उसका भी फायदा अपने को इसके अंदर लेते आते रहता। लेकिन रोजगार जो है, स्किल उनके अंदर है कोई कंपनी के अंदर काम करने का, वो स्किल का अपन प्रेसिशन भी उनको दे सकते हैं, प्रेसिशन दे के भी कंपनी में नौकरी उसके प्रोवाइड कर सकते हो सकती। लेकिन इसके अंदर कैसा है कि इन लोगों के पास ये मालूम पहुंचना, लोगों ने आना और उसको फिर करके लेना, अब ये जो मालूम है पहुंचती नहीं, उसके से ही प्रॉब्लम होते रहती है। जो असल प्रॉब्लम है ये होता है कि सही चीजें वहां तक पहुंचती है। आपके दिमाग में सारे प्लान है कि भाई अगर जीतता हूं तो ये सारे मेरे
मेरे दिमाग में सब प्लान है, मैं ये शहर का महापौर रहता हूँ पूरे शहर का, और मध्य में भी जितना भी है कि अपने को कैसा है कि सब काम क्या करना कैसा करना। पहला इशू सबसे पहले पानी, सबसे पहले इशू पानी का सबसे बड़ा। इसके अलावा ओल्ड सिटी के अंदर अपन देखेंगे तो ड्रेनेज, क्योंकि अपने संबंध महानगर पालिका से ही ज्यादा है। सही, महानगर पालिका से ही ज्यादा है। तो ये जो इशू है ये इशू सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको पता है नहीं पता है मेरे को मालूम नहीं, सामांतर की जलवाहिनी ये जो योजना है, अपना शहर ऊपर है और पानी नीचे, अब लोग पानी खींचना पड़ता। तो ये 50 साल पुरानी पाइपलाइन है। पहले अपन 3 लाख लोगों के लिए पानी देते थे, आज 20 लाख लोग पानी पी रहे हैं। तो इसके लिए योजना जो करना पड़ती है, 2006 के अंदर मैं जब महापौर था, जब से ये योजना इम्प्लीमेंट में आई हुई है, जब से 2006 से लेके अब महानगर पालिका के रिकॉर्ड भी निकाल लिए, आपको मालूम पड़ेगी ये 260 करोड़ की योजना थी। अभी हो गई है 2,2800 करोड़ रुपए की योजना। उसके लिए आपके पास प्लान है? प्लान है हमारे पास में। और वैसे भी उद्योग बाला ठाकरे जब थे यहाँ पे, तो जो टाइम में ये प्लान मंजूर हुआ है और 55-57 टाके अपने शहर में नवी बनने आ जाए, शहर से लेके पानी यहाँ पे आने की पूरी पाइपलाइन बिज के लिए जनवरी तक का पानी सबको मिलेगा। ऐसी मेरे को अपेक्षा जनवरी में नहीं मिलेगा तो उतना, जनवरी में समझो 25 जनवरी तक, ये जनवरी में नहीं मिला 25 में, तो बहुत से बहुत 6 महीने के अंदर पानी पूरा आ जाएगा। पूरी कोशिश चाहिए 25 में पूरा पानी शहर को पूरा पानी हो जाएगा। अच्छा, और पानी रोज कैसा मिलेगा वो इन तरफ से हम चल देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, एक तरफ प्रदीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई कैंडिडेट मजबूत है ही नहीं, हमारी लड़ाई MIM से है, बाकी उनका ये मानना है कि आप हो गए, जावेद कुरैशी हो गए, इनसे उनकी लड़ाई नहीं है, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई सिर्फ शिवसेना से, उनका ये MIM का ये मानना है, इम्तियाज जलील का नहीं, MIM का मानना है कि हमारी लड़ाई शिवसेना से रहेगी, आपका आखिर क्या मानना है? क्योंकि प्रदीप जायसवाल साहब एक तरफ कह रहे हैं कि आपसे लड़ाई नहीं है उनकी, उनकी लड़ाई तो MIM से है। बोलने को क्या करते मैं भी बोलूंगा मेरी लड़ाई किसके साथ में नहीं, ऐसा नहीं रहता, लड़ाई है सबकी, लड़ाई सबके साथ में, सबकी लड़ाई सबके साथ है, सबकी लड़ाई सबके साथ है। बोलने को ठीक है, अभी लोग ठहराने वाले हैं, सही, लड़ाई किसकी? जनता ठहराने, जनता ठहराने, जनता ठहराएंगे। अच्छा, लड़ाई किसके साथ है? अच्छा, इसकी। अच्छा सर, एक सवाल ऐसा है, क्योंकि औरंगाबाद की राजनीति अगर मैं देखूं, आखिर कब खत्म होगा कि हिंदू मुसलमान के नाम को लेकर राजनीति की जाती है? बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये, और खास तौर से हमारे शहर की बात होती है, क्योंकि अभी देखा हमने लोकसभा में, ये कब खत्म होगा आखिर, इसको कैसे खत्म किया जाएगा? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी जी, कि हिंदू मुस्लिम जो आप बोल रहे हैं ना, MIM जो प्रदीप जायसवाल और मैं खड़े थे जब MIM की एंट्री हुई हुई जी 2014 में, और ये 2024 में सब खत्म हो जाएगा। 2024 में खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब। आप देखो 2014 में शुरू हुई है, 2024 में खत्म हो जाएगा। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप इसका? अभी किसके अंदर कैसा है कि किसको जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं है, सियासत है ये, जातिवाद करना और काम है। अब मेरे को आप बोलो 2014 में इम्तियाज जलील अंदर बने, ओके, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? अब देखो 2019 में वो खासदार बने, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ ये आप देखो। अभी गिर गए मोहरे साहब आ गए, थोड़ी देर के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थोड़ी देर के लिए महा विकास आघाड़ी में, अपने शहर के अंदर मध्य हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए के काम आए, 2,000 करोड़ रुपए के काम आए जी। समंदर की पानी की योजना जब भी लगी, सातारा के अंदर ड्रेनेज की लाइन 400 करोड़ रुपए की जब भी लगी, अपने शहर के जो रास्ते जो बन रहे हैं अभी जी, ये जब भी बने ना अभी, ये तो इसके अंदर कैसा है कि जातिवाद जात ये सियासत में नहीं होने को ना, ठीक है ना, हम दिवाली मनाएंगे आप हमको शुभेच्छा दो, आप ईद मनाएंगे हम आपको शुभेच्छा देंगे, लेकिन ये शहर का विकास आपको मिलके ही करना पड़ेगा ना जी, शहर का विकास तो वैसे ही होगा, मिलके ही करना पड़ेगा ना। अभी आप देखो लोग होशियार हो गए हैं, पहले दंगल होती थी सब होता था, अभी बीच बीच में भी देखो अपने यहाँ शहर में इतने टाइम से दंगल नहीं, बीच में नवापुरे में कुछ हुआ था जी, हाँ जी, उसके बाहर निकला नहीं जी, बीच में किराड़ में कुछ हुआ था उसके बाहर निकला, बहुत अच्छी बात। तो लोगों को क्या है कि रोजगार होना, रोज को परेशान है खाना होना, और किसको कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने पांच हाथ की पांच उंगलियां बरोबर नहीं है या छोटी बड़ी है, तो अपने समाज बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें एकाध दो रहेंगे, एकाध दो होंगे तो उनकी सुनना नहीं, अपन अपने काम कैसा करना करते रहना, और विकास कैसा होगा शहर का, और अपन साथ में कैसा रहेंगे उतना अपने को देखना है।
और ये लोग ठहराने वाले। ये थे तनवानी सर। जैसे इनका ये मानना है कि सियासत अगर होगी तो इस बार जो है सियासत हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होगी, विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे। और खास बात इनसे बात कर ये पता चली है कि इन्होंने कहा है कि इस बार जनता तय करेगी कौन बनेगा इस बार औरंगाबाद सेंट्रल का आमदार। और खास बात इनकी ये है कि इन्होंने कहा है कि जब मैं उस वक्त महापौर हुआ करते थे, सारा बजट उन लोगों ने उस वक्त जो है इन्होंने वहां पर लेकर आया था, और जिस वक्त ये महापौर हुआ करते थे उस वक्त इन्होंने जात पात को नहीं देखा, लोगों के साथ जुड़े रहे। अब आने वाले वक्तों में देखना है क्या इंडिया अलायंस को सारे समाज का समर्थन मिलेगा, या फिर यहां पर सेंट्रल में किस बार किस तरीके की यहां पर समीकरण बनेगा, कौन बनेगा आमदार और किसकी होगी सरकार। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।